ज्योग्राफी के सोलर सिस्टम में हम लोग को देखना है, क्वेश्चन नंबर वन ये है कि सूरज का जो केंद्र है उसमें उपस्थित पदार्थ होता है ठोस, द्रव और गैस, केवल द्रव, केवल गैस या द्रव और गैस दोनों अवस्था में। तो सूरज का जो केंद्र होता है उसमें कितना भी ठोसीय पदार्थ रखा जाए तो वो कभी भी अपने नेचुरल फॉर्म में हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अधिक टेम्परेचर है। और बहुत अधिक टेम्परेचर होगा तो ठोस हो या गैस, ठोस हो या लिक्विड हो, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा केवल गैसीय अवस्था में, यानी कि सूरज का जो केंद्र है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट करता है और हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा कि सूरज के केंद्र में उपस्थित पदार्थ केवल गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि आपके पास यदि आयरन है उसमें बहुत अधिक टेम्परेचर दिया जाए तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा, इतना अधिक टेम्परेचर दे दिया जाए तो जो आयरन का लिक्विड फॉर्म में वो गैसियस स्टेज में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसका आंसर होगा केवल गैसीय अवस्था में प्राप्त हो सकते हैं। सूरज की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि सूरज से जो हम लोग को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का मतलब कि सूरज जो हम लोग को प्रकाश देता है वो कैसे देता है। सूरज का जो केंद्र होता है वहां पे गैस होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस होती है। जब दो हाइड्रोजन गैस आपस में मिलता है अर्थात उसमें जब संलयन होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, तो दो हाइड्रोजन एक हीलियम में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस में बहुत बड़े मात्रा में एनर्जी निकलती है। वही एनर्जी प्रकाश के फॉर्म में पृथ्वी को मिलती है। इसलिए इसका आंसर होगा सूरज की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के माध्यम से। सूरज की जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। जब हम लोगों ने ज्योग्राफी में थ्योरी में पढ़ा था तो इसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सूरज की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के माध्यम। संलयन का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों का मिलना और दो चीज के मिलने से एक चीज का उत्पन्न होना। अब एक क्वेश्चन है कि हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा और आप एक्सरे रिपोर्ट जो होता है उसको उससे अगर आप सूरज को देखिएगा तो सूरज के चारों ओर एक लाल रंग का आकृति आपको दिखाई देगा। जैसे कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, मान लीजिए कि ये सूरज है, और इसमें सूर्य ग्रहण हो गया तो यहां पे आपको लाल रंग की आकृति चारों तरफ दिखाई देगी सूर्य ग्रहण के प्रारंभ में। इसी को हम लोग कहते हैं हीरक वलय। ये एक यूपीएससी 96 का क्वेश्चन है। तो सूरज ग्रहण जब होता है तो उसका जो प्रारंभिक अवस्था है उसी अवस्था में हीरक वलय हम लोग को एक्सरे रिपोर्ट से दिखाई दे सकता है। तो इसका आंसर ए होगा। अब ये क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो पहले हम लोग को यहां पे ये समझना है कि सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। तो जैसे कि देखिए, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो सूरज अपने स्थान पे स्थित रहता है। ये जो सन है वो अपने स्थान पे स्थिर रहेगा, ये जो सन है अपने स्थान पे स्थिर रहेगा। चेंज जो होता है वो अर्थ में और मून में होता है। तो सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, ये सन है और यहां पे अर्थ है, ये सन है और यहां पे अर्थ है। अर्थ को हम लोग नीले से बना देते हैं। नहीं बन रहा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो अर्थ है
यहाँ पे होता है। तो सन हमेशा सूर्य ग्रहण के समय और चंद्र ग्रहण के समय अपने स्थान पर स्थिर होगा, चेंज इस अर्थ में होगा, अर्थ बदलेगा या फिर चंद्रमा बदलेगी। तो ये जो सूरज है और यहाँ पे पृथ्वी है, इसके बीच में मून आ जाता है, इसके बीच में मून आ जाता है। तो होता क्या है कि सूरज का जो प्रकाश है इसे कुछ समय के लिए पृथ्वी पे पड़ने ये नहीं देता, और ये चंद्रमा की जो छाया है, चंद्रमा की जो छाया है, शैडो जो है, वो सूरज पे पड़ता है। और इस दौरान जब हम लोग सूरज को देखेंगे तो चंद्रमा की स्पष्ट छाया सूरज पे दिखती हुई प्रतीत होती है, और पृथ्वी पे सूरज का प्रकाश उस मात्रा में नहीं पहुंचता जिस मात्रा में पहुंचना चाहिए। और सूर्य ग्रहण बहुत एक रेयर घटना है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में 2008 ईस्वी में जुलाई में लगा था, जब 2 मिनट के लिए पूरा अंधेरा हो गया था। हुआ क्या था कि सूरज को चंद्रमा इस तरह से घेर लिया था कि इसका प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी पे कम से कम 2 मिनट के लिए नहीं आया था, और एक छाया चंद्रमा की सूरज पे बन रही थी। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण तभी लगेगा जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। अब इसमें एक चेंज आ सकता है कि मान लें कि यह सूरज है और ये चंद्रमा है, मून है, इसके बीच में अर्थ आ जाए, तब चंद्र ग्रहण लगता है। यानी कि सूरज और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा, ये ध्यान रखना है। ये अगर इधर चला गया, ये इधर आ गया तो सूर्य ग्रहण होगा, और जब ये इधर आ गया और उधर चला गया तो वो होगा सूर्य ग्रहण। तो जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो आंसर इसका ये होगा कि इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। तो यहाँ पे यही समझना है, सूर्य ग्रहण जो लगता है वो तभी लगेगा जब सूरज और पृथ्वी उसके बीच में चंद्रमा आ जाए। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ए, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब लगे, ये वही क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय एकक, यानी वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, औसत दूरी है, यानी कि ये एक डिस्टेंस के बारे में बता रहा है, एक एवरेज डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। जब हम लोग से पूछा जाए कि एक खगोलीय एकक औसत दूरी है तो इसका आंसर होगा पृथ्वी और सूरज के बीच का, यानी कि पृथ्वी और सूरज के बीच का जब औसत दूरी बताया जाता है तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के माध्यम से बताया जाता है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो बताता है पृथ्वी और सूरज के बीच के दूरी को। तो आंसर इसका होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि सूरज और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। तो यहाँ पे ये हम लोग को ध्यान रखना है एवरेज दूरी के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो रोटेट भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है, यानी कि परिभ्रमण भी कर रही है, परिक्रमा भी कर रही है सूरज का। तो परिक्रमा करने के कारण सूरज और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है वो बदलता रहता है। अगर यहाँ पे 3 दूरी होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये जो दूरी हुआ, 3 प्रकार का दूरी बनता है। दूरी जो होता है सूरज और पृथ्वी के बीच में 3 प्रकार का दूरी, एक सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है 25.21 करोड़, ये सबसे ज्यादा दूरी हुआ। अगर पूछा जाए सबसे कम, सबसे कम होता है 14.70 करोड़। यानी कि सूरज और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक अगर दूरी होगा किलोमीटर में तो 15.21 होगा, सबसे
ज़्यादा होगा तो 15.21, सबसे कम होगा तो 14.70। अब इसी का अगर आप एवरेज निकालिएगा, इस दोनों को यदि जोड़ के दो से डिवाइड करिएगा तो इसका एवरेज निकलेगा, तो एवरेज होगा 150×6 किलोमीटर, यानी कि लगभग जो होता है वो 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि सूरज और पृथ्वी के बीच जो डिस्टेंस है परिक्रमा करने का, वो तीन प्रकार से बनेगा। यदि दूरी सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो उसका आंसर होगा 15.21 करोड़, सबसे कम होगा तो 14.70 करोड़, और एवरेज जो निकलेगा तो इसी दोनों को यदि आप जोड़ के दो से डिवाइड कर दीजिएगा तो लगभग 15 करोड़ इसका आंसर होगा, और यहाँ इसके अनुसार आंसर होगा 150×10^6 किलोमीटर, 10^6 किलोमीटर। ठीक है, वो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पृथ्वी और सूरज से निकटतम दूरी होती है, यानी जो हम लोग अभी देखे हैं, अभी जो हम लोग देखे हैं निकटतम दूरी 14.70 करोड़ का, सबसे निकटतम दूरी जो है वो 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी और सूरज से जो निकटतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है, इसका आंसर होगा 3 जनवरी। अब अगला क्वेश्चन है कि सूरज का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा 109 गुना। सूरज का जो आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, यानी कि अगर पृथ्वी जो 1 पॉइंट पे है तो वो 109 पॉइंट पे होगी, तो सूरज का आकार पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है। तो प्रैक्टिस सेट 4 में इतने ही प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं जो हमेशा एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो हम लोगों ने 4 सेट को पढ़ा है, अब आप लोग इसमें देखिए कि कितना प्रश्न बन रहा है, जितना भी थ्योरी है उसी से निकाल के इसमें से क्वेश्चन निकाला गया है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में दिए गए हैं।